आप देख रहे हैं कुबेर भूमि, मैं हूं आपके साथ हर्षिता। राज्य सरकार ने महंगाई के मुद्दे पर केंद्र को घेरना शुरू कर दिया है। आज राजनाथ गांव में रायपुर ग्रामीण के विधायक सत्यनारायण शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र की अकर्मण्यता और मुनाफाखोरी वाली नीति के कारण देश की जनता महंगाई से परेशान है, बदहाल है। भाजपा के सत्ता में आने के बाद से रोजमर्रा के सामानों की कीमतें दोगुनी हो गई हैं। आज सोमवार को विधायक सत्यनारायण शर्मा एक दिवसीय प्रवास पर राजनाथ गांव पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेसवार्ता की। प्रेसवार्ता कर दौरान उन्होंने कहा कि महंगाई को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला और कहा कि मोदी और उनकी सरकार की प्राथमिकता ने गांव, गरीब, किसान, मजदूर, आम आदमी है ही नहीं। मोदी सरकार ने आम आदमी को राहत देने के लिए कभी कोई योजना नहीं बनाई है। मोदी सरकार ने चंद उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए योजना बनाई, उसका क्रियान्वयन किया है। देश में बिकने वाली दालें और खाद्य तेल का 70% हिस्सेदारी सिर्फ एक ही उद्योग घराने अडानी का है। इसके साथ ही उन्होंने नोटबंदी और जीएसटी को केंद्र सरकार की विफलता बताया। वहीं क्रू प्रबंधन, महंगाई, विदेश नीति की सफलता और पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर केंद्र सरकार को घेरा। देखिए, आज जो महंगाई से आम आदमी त्रस्त है, आम आदमी की भावना का इजहार हम लोगों ने आज किया है। जो हमने अभी तुलनात्मक आपको विवरण दिया है, उसमें सारी बातों का उल्लेख है। खाने के तेल से लेकर के खाद्यान्न सामग्री से लेकर के डीजल, पेट्रोल, कपड़ा, मकान और हर चीज़ में कितनी ज़्यादा महंगी हो गई। 21 बार डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, ये कोई अच्छी बात नहीं है। आम आदमी कैसे जीवन जिएगा, ये कांग्रेस के सामने ये इस बात चिंता का विषय है। और जनता की के बेहतर जिंदगी के लिए, बेहतर बसाहट के लिए हम लोग आंदोलित हैं और जन जागरण के अभियान के माध्यम से आम आदमी तक हम अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। आम आदमी को महसूस करना है वो क्या महसूस कर रहा है, क्या उस कैसे क्या गुजर रही है, उस पर इस बात को आम आदमी फैसला लेगा। इसलिए